जनवरी महीने की शुरुआत होने जा रही है और नए साल के पहले माह में हम आपको बताएंगे कि कौन से त्योहार और व्रत जनवरी के महीने में पड़ने वाले हैं। जनवरी माह की शुरुआत पौष माह की मासिक शिवरात्रि से हो रही है और समापन भी 30 जनवरी मासिक शिवरात्रि पर है। इस महीने में मासिक शिवरात्रि, पौष अमावस्या, लोहड़ी, मकर संक्रांति जैसे अनेक व्रत एवं त्योहार आने वाले हैं। आइए जानते हैं जनवरी 2022 में कौन कौन से व्रत एवं त्योहार किस दिन पड़ रहे हैं। एक जनवरी शनिवार मासिक शिवरात्रि। इस दिन शिवरात्रि का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के अभिसरण का महान पर्व है। मासिक का अर्थ है महा या महीना और शिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव की रात। दो जनवरी रविवार पौष अमावस्या। इस दिन पौष महीने का कृष्ण पक्ष खत्म हो जाएगा। इसे पितरों की तिथि बताया गया है, इसीलिए पौष अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितरों को संतुष्टि मिलती है। इस पर्व पर किए गए दान का पुण्य भी पितरों को ही मिलता है। पांच जनवरी बुधवार विनायक चतुर्थी। इस तिथि पर भगवान गणेश की पूजा और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। पौष महीने की इस चतुर्थी पर भगवान गणेश के विनायक रूप की पूजा करने का विधान है। इनकी पूजा से मनोकामना पूरी होती है। नौ जनवरी रविवार भानु सप्तमी। इस दिन पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार होने से भानु सप्तमी व्रत किया जाएगा। सूर्योदय से पहले तीर्थ स्नान, फिर उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद दिन में जरूरतमंद लोगों को दान करने से उम्र बढ़ती है। 13 जनवरी गुरुवार पुत्रदा एकादशी। इस दिन पुत्रदा एकादशी है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। 13 जनवरी गुरुवार लोहड़ी। लोहड़ी पंजाबी लोगों का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ये संपूर्ण भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू राज्य में मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष या माघ के महीने में पड़ता है, जो अंग्रेजी के अनुसार सामान्यतः जनवरी के 13वें दिन मनाया जाता है। 14 जनवरी शुक्रवार मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य धनु से मकर राशि में आता है और उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसीलिए उत्तरायण पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर तीर्थ स्नान, दान और सूर्य पूजा करने की परंपरा है। 15 जनवरी शनिवार प्रदोष व्रत। ये नए साल का पहला प्रदोष व्रत है। इस दिन शनिवार और त्रयोदशी तिथि का संयोग होने से शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। इस तिथि पर भगवान शिव पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि और दाम्पत्य सुख बढ़ता है। 17 जनवरी सोमवार पौष पूर्णिमा। इस दिन पौष महीने की आखिरी तिथि यानी पूर्णिमा रहेगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। 21 जनवरी शुक्रवार संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी संकटहरा चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश जी को समर्पित है। श्रद्धालु इस दिन अपने बुरे समय व जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। इस त्योहार को प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। 28 जनवरी शुक्रवार षटतिला एकादशी। ये माह में दो एकादशी आती है, लेकिन माघ माह की एकादशी का खास महत्व होता है। इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है।
30 जनवरी रविवार मासिक शिवरात्रि। जनवरी माह में दो मासिक शिवरात्रियां पड़ रही हैं। ये शिवरात्रि माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाएगी। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मध्यरात्रि में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिवलिंग की पूजा सबसे पहले भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने की थी। मासिक शिवरात्रि का व्रत मनोवांछित सहयोगियों की प्राप्ति में मदद करता है।